हेलो एवरीवन, मेरा नाम सक्षम दीक्षित है और मेरे चैनल का नाम पेंटेस डायरीज है। आज मैं आपके सामने एक और हैक द बॉक्स का रिटायर्ड मशीन का वॉक थ्रू लेके आया हूँ। ये मशीन का नेम जो है वो है आर्मेगेडन। ये एक इजी मशीन है। कैसे इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, ये एक ईजी मशीन है। सो इसमें हम लोग काफ़ी कॉम्बिनेशन यूज़ किए जा सकते हैं, बट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड मशीन है जिसको हार्डली 17 पेज के राइटअप में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। तो इसका टेक्निकल ब्लॉग पे मैं इसका राइटअप भी पब्लिश कर दूंगा, आप वहाँ से कंप्लीट राइटअप ले सकते हैं। तो चलिए फिर डेस्कटॉप पे चलते हैं। सो इस मशीन पे सबसे पहले हम एनमैप को रन करेंगे ताकि हम पता कर सकें कि इसमें पोर्ट्स क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं। तो हमें इस सर्वर का आईपी पता है ऑलरेडी, दैट इज़ 10.10.10.233। इसको हम रन करेंगे। साइमल्टेनियसली मैं कुछ और भी टर्मिनल्स ओपन कर लेता हूँ जिसको हम लेटर ऑन यूज़ कर पाएंगे। तो उसके आउटपुट में हम देख सकते हैं कि जैसे पोर्ट 22 दिख रहा है, पोर्ट 80 दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे यहाँ पर पोर्ट 80 इनेबल है, पोर्ट 22 इनेबल है, तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं। तो अब हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसको कोशिश करेंगे ओपन करने की कि हमें पोर्ट 80 पे क्या एक्चुअल मिल रहा है। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी आप ले सकते हैं कि ये ड्रूपल 7 पे बना हुआ है एंड अपाचे 2.4.6 है एंड सेंट ओएस है टारगेट सर्वर। ओके, तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे पोर्ट 80 के लिए 10.10.10.233। तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रूपल का एप्लीकेशन है। सो ड्रूपल की एप्लीकेशन है और अगर हम चाहें तो इसका सोर्स कोड में जाके भी देख सकते हैं, बट हमें एनमैप के थ्रू ही काफ़ी डिटेल मिल गए थे तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे आप यहाँ पर जाके भी देख सकते हैं ये ड्रूपल है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड MSF कंसोल ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे ड्रूपल और हमें सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो भी ऑप्शन आपके इसमें आ रहा होगा आप देख सकते हैं, हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लिस्ट में भी हो सकता है वो मेरे इस लिस्ट में फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, आपके में सेकेंड दिखे या थर्ड दिखे, तो सेम ऑप्शन को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट आफ्टर दैट हम क्या करेंगे इसकी देखेंगे इसको क्या क्या रिक्वायर्ड लगेगा यहाँ पर हमें, जो हमें इनपुट्स देने पड़ेंगे हमारी साइड से। तो एक हार होस्ट देना पड़ेगा यहाँ पर हमें जो है 10.10.233। एक एल होस्ट देना पड़ेगा, एल होस्ट में मुझे मेरा आईपी देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर मेरा आईपी चेक कर लेता हूँ। सो मेरा आईपी है 14.166। सो 10.10.14.116 और आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ और हमें इनपुट देने की ज़रूरत है। अब हम डायरेक्टली एक्सप्लॉइट रन कर देंगे यहाँ पर और इसको वेट करेंगे इसको एक्सप्लॉइट होने का, और हमें मेटाडेटा शेल मिलना चाहिए। तो ये टारगेट इज़ वल्नरेबल है, ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया है, हम इसे कंप्लीट होने का वेट करते हैं। तो अब हमें ट्रिगर हो चुका है और हमें मेटाडेटा सेशन मिल गया है। ओके, तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर शेल लिख के एंटर कर देंगे। तो हम इस समय डायरेक्टली OS के अंदर आ गए हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक्चुअल क्या क्या डायरेक्टरीज दिख रही हैं और हमारे लिए मेन फोल्डर कौन सा है, हम साइट्स को देखेंगे ओपन करके। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, फाइल्स पड़ी हुई हैं, बट हम साइट्स फोल्डर के अंदर जाएंगे और अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या आउटपुट दिखा रहा है। इसमें डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ऑल आ रहा है, readme.txt आ रहा है, तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। ओके, अब हम फिर से lsrt मारेंगे एंड यहाँ पर setting.php है, फाइल्स है। आई थिंक हमें डायरेक्ट settings.php ही ओपन करना है अब, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और कैट के साथ इसको ओपन कर लेंगे। ये काफ़ी बड़ा फाइल है तो अब हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके कंटेंट को रीड करना है,
इसमें क्या क्या हमें मिल सकता है वो हम सब कुछ चेक करेंगे। तो एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर काफ़ी बार हार्ड कोडेड पासवर्ड और यूज़र नेम मिल जाते हैं। तो देखते हैं हमें क्या कुछ मिल सकता है यहाँ से या नहीं मिल सकता है। ओके, सो हमें यहाँ पर डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं। अदर देन दैट कुछ और भी है तो वो भी पूरी शीट में देखेंगे, क्या कोई और यूज़र भी है। तो आई डोंट थिंक सो कुछ और यूज़र है यहाँ पर। दैट्स इट। तो हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ ये क्रेडेंशियल्स जो हमें मिले हैं, ये हमें डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं। ओके, तो अभी हम लोग इस शेल को छोड़ेंगे नहीं, इस शेल के थ्रू ही हम ट्राई करेंगे कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं अभी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो देखते हैं। तो अब हम लोग ऐसे हमें डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स मिल गए तो हम उन्हीं क्रेडेंशियल्स को यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम MySQL के थ्रू इस यूज़र के थ्रू लॉगिन करके देख सकें कि यहाँ पर एग्जैक्टली कौन कौन से यूज़र्स हैं। मिस्टेक हो गया है, एक बार हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। Yes. अब यहाँ पर हम इसको पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे। जो हमें पासवर्ड ऊपर मिला था वही पासवर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्ट। जैसे हम इस पासवर्ड को हिट करेंगे हमें सब कुछ एरर आ रहा है। तो सिंगल कोट्स की यहाँ मिस्टेक थी तो मैंने उसको करेक्ट किया है। मेरे राइटअप में भी मैं उसको कस्टमाइज कर दूंगा ताकि आप एग्जैक्ट सेम कमांड को ट्रिगर कर सकें और आउटपुट ले सकें। तो अब यहाँ पर हमें डेटाबेस के नेम्स पता चल गए कौन कौन से डेटाबेस यहाँ पर हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस नेम है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, ड्रूपल है, MySQL है एंड परफॉर्मेंस स्कीमा है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमें पता चल रहा है ड्रूपल करके एक डेटाबेस है और हमने जो वहाँ पर सेटिंग्स और टीएक्सटी में देखा था वहाँ पर भी डेटाबेस का नेम ड्रूपल लिखा हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा कि ड्रूपल के अंदर टेबल्स कौन कौन सी हैं। ओके, तो हम इस कमांड को रन करेंगे और फिर से क्रेडेंशियल को यूज़ करेंगे और हमें पूरी लंबी सी लिस्ट मिल गई है। जो जो फाइल्स वहाँ पे, जो जो टेबल्स की लिस्ट नेम है वो सारे टेबल लिस्ट यहाँ पर लिस्ट हो गई है। ओके, आउट ऑफ दैट हमें अब क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हम यहाँ पर यूज़र्स का टेबल पे ही कंसोलिडेट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा यूज़र्स। तो हम लोगों ने यूज़र डिफाइन किया है, यहाँ पर हम लोगों ने डेटाबेस बता दिया है और जो हमारी क्वेरी है उसमें हमने बोला है कि यूज़र्स के अंदर जो टेबल है जो भी कंटेंट है उसको सबको डंप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, सो हम इस कमांड को फायर करेंगे, क्रेडेंशियल कॉपी करेंगे फिर से और क्रेडेंशियल को पेस्ट कर देंगे। जब क्रेडेंशियल्स को पेस्ट कर देंगे तो अब यहाँ पर हमें बहुत सारा आउटपुट मिल गया है। ओके, सो यहाँ से अब क्या करना है, हम इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमें एक हैश भी मिला है, ब्रूस द रियल एडमिन और दिस इज़ द हैश। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस हैश को मैंने ऑलरेडी इनपुट किया हुआ था आई थिंक। नो, ओके, मुझे फिर से इसको हैश को बनाना पड़ेगा, हैश फाइल को। ओके, थोड़ी देर में हम हैश को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हैश कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर हैश को पेस्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें RockYou फाइल को लोकेट करना है। सो RockYou फाइल जो है वो यहाँ पर है, इसे हम कॉपी करके हमारे बेस लोकेशन पर ले आएंगे। ओके, एंड अब हम इस फोल्डर में जाएंगे डायरेक्टली एंड यहाँ पर जाके RockYou फाइल पर डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके,
सो ये हमारी जो अंदर फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब इस फाइल को हमें डायरेक्टली यूज़ करना है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर डायरेक्टली ये कमांड फायर कर देंगे। सो ये क्या करेगा, हम जो अंदर पर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जिसमें हमने जिसमें हैश डाला था वो फाइल हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है, और ये हमारी वर्ड लिस्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर rockyou.txt। इसको हम रन करेंगे और हमें आउटपुट मिल गया है। सो इस यूज़र का जो पासवर्ड है वो बुबू है, तो हम इसको क्रेडेंशियल्स में यूज़ करेंगे। अब हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे इस मशीन पे, तो हमारे पास यूज़र भी आ गया था, हम यूज़र को यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड फिर हम इसकी आईपी डालेंगे 10.10.10.233 एंड हम जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ से पासवर्ड कॉपी करेंगे एंड देन इस पासवर्ड को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो हम अब लॉगिन हो चुके हैं। ओके, तो अब हम देख सकते हैं होम डायरेक्टरी में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो होम डायरेक्टरी में ये यूज़र है और यहाँ पर हमें user.txt मिल जाएगा। ओके, आप user.txt यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। नाउ हम आगे प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए जाएंगे, तो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि प्रिविलेज एस्केलेशन एक्चुअल कैसे हो सकता है, मतलब इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें इसके थ्रू हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं स्नैप इंस्टॉल के थ्रू हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, इसमें नो पासवर्ड मांगेगा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग के पास काफ़ी स्टेप्स हैं। फर्स्ट थिंग हम देखेंगे कि पाइथन का वर्जन कौन सा है हमारे पास, क्योंकि अब हम जो स्क्रिप्ट्स को रन करने वाले हैं उसके लिए हमें पाइथन लगेगा यहाँ पर। इट्स डबल हाइफन, ओके, सो इट्स 2.7.5। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, एक वेबसाइट है जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। इस वेबसाइट पे एक इस वेबसाइट पे पूरा एक पाइथन का कोड लिखा हुआ है, सो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। मैंने ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे कॉपी किया हुआ है, तो हम सबसे पहले हम टेम्प फोल्डर के अंदर जाएंगे, ओके /tmp एंड उसके बाद मैं यहाँ से जो कंटेंट वहाँ दिख रहा है वो एग्जैक्ट हम कॉपी कर लेंगे। ओके, यहाँ पर datasec.snap करके, तो यहाँ पर जो कंटेंट वहाँ लिखा हुआ है वो सारा कंटेंट यहाँ तक पेस्ट करना है, उसको base64 में डिकोड करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम फाइल का नेम दे रहे हैं जिसके अंदर हम इनपुट करना चाहते हैं। ओके, हम इसको सिंपली रन करेंगे। ओके, ये रन हो गया है। अब क्या करना है, अब हमें जो वहाँ पर जो हमने sudo -l मारा था तो वो कमांड के में हमें आउटपुट में जो दिखा था उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस फाइल को इसके साथ में इंस्टॉल करेंगे। ओके, हम इसको सिंपली रन कर देंगे और ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा यूज़र बन गया है या नहीं, तो हम देखते हैं। आई थिंक अभी हमारा यूज़र नहीं बना है, सो मुझे मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ा, टारगेट मशीन को रीसेट किया है, देन उसके बाद मैंने फिर से वही सारा सिमुलेट करके सारी कमांड रन की हैं एंड दिस टाइम जब हम /etc/passw रन करेंगे तो हम यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, हमारा यूज़र ऐड हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे यूज़र से हम लॉगिन कर लेंगे। इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेम है। ओके, अब यहाँ से हम डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। फिर से सेम पासवर्ड फिर से हम इनपुट करेंगे एंड हम रूट हो गए हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम जाके root.txt फाइल को देख सकते हैं। सो ये सारे मेथड था, ये सारा प्रोसेस था। हो सकता है जब आप इस मशीन को ट्राई कर रहे हो तो उस समय आप जब इस कमांड को रन करें और इंस्टॉल करने के बाद आप ट्राई करके देखें तो आपको ये आउटपुट ना मिले, आपका यूज़र ऐड नहीं हो। सो उस केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको इस मशीन को रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मतलब प्रीवियसली जब ये मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया था उस समय भी मुझे यही इशू आ रहा था, मैं कंटिन्यूस बहुत ट्राई कर रहा था, फाइनली मुझे इस मशीन
को रीसेट ही करना पड़ा, और रीसेट करते ही ये स्क्रिप्ट रन कर गई एंड यहाँ पर यूज़र ऐड हो गया था। तो अभी भी डेमोस्ट्रेशन टाइम को रिकॉर्ड करते समय भी यही केस हुआ है। तो आपको सेम करना है, अगर इनकेस आपको सेम इशू फेस होता है तो आप उसको रीसेट कर लीजिए और फिर से इसको रन कर लीजिए, तो उसके बाद ये हो जाएगा एंड देन उसके बाद सुडो हाइफन आई करके आप डायरेक्टली रूट यूज़र बन जाएंगे और फिर उसके बाद आप रूट टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा मशीन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे लिंक, मेरे लिंक्डइन का लिंक, मेरे टेक्निकल ब्लॉग का लिंक, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।